करते वक्त वो जो लोग थे रेंजर्स वाले थे या एसएसजी कमांडोज थे, उन्होंने वो सीसीटीवी फुटेजेस उठा के ले गए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा था कि हम इनके खिलाफ कंटेम्प्ट करेंगे और ये माल मुकदमा बनेगा और इनको वापस किया जाए, और आज तक उन्होंने वापस नहीं किया। फिर आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में 1.5 महीना पहले 2 महीने पहले जब केस लगा हमजा कैंप वाला, वहाँ उनको कहा गया आप सीसीटीवी फुटेज ले आयो कि कौन कौन लोग मुलव्वस था, उन्होंने कहा वो ख़राब है। जब लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया जीएचक्यू के बारे में, उन्होंने कहा सीसीटीवी फुटेजेस ख़राब हैं। इसी तरह कोर कमांडर हाउस के मुतालिक कहा, इसी तरह ज़िले शाह को मार के जहाँ फेंका गया वो भी कहा गया कि वो सीसीटीवी फुटेजेस ख़राब थे। और अभी एंथ्रॉक्स वाले जो लेटर भेजे गए आपको याद होगा एक ही पोस्ट ऑफिस से भेजे गए, उन्होंने कहा जी वो सीसीटीवी फुटेजेस ख़राब है। तो मुझे ये बताएं सिर्फ सीसीटीवी फुटेजेस ठीक चलते हैं बेडरूम्स के अंदर, तो लिहाजा 9 मई का जो ड्रामा रचाया गया उसको भी आज खान साहब ने खुद भी कहा कि देखें जो इलेक्शन में जाना चाहता है, 14 मई को इलेक्शन अनाउंस किया होता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने और कंटेम्प्ट भी चल रही थी, लेकिन उसको अवॉइड करने के लिए पीडीएम ने और एस्टेब्लिशमेंट ने ये ड्रामा रचाया, और जिसके नतीजे में हमारे 16 से ज़ायद लोग शहीद किए गए। और उसके बावजूद जो कुछ उस दिन हुआ, हमने एक मुतालबा किया आप जुडिशल कमीशन बना लें, राइट फ्रॉम द बिगनिंग उस दिन से लेकर आज तक जुडिशल कमीशन नहीं बन सका। एक तरफ खान साहब अमरीकी मदाखलत का अमरीकियों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, दूसरी तरफ आप उनसे मुलाकातें करते हैं, खान साहब उसे खुशाइन भी कहते हैं, शिकायत भी लगाई जाती है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखो जहाँ तक इंटरफेरेंस का ताल्लुक है वो गवर्नमेंट के सतह पे हुआ था, बात उठाई गई थी, पर इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं था कि आप अमेरिका जैसे मुल्क के साथ अपने ताल्लुक ख़त्म करें, या ये कि अगर उनका सफ़ीर यहाँ मौजूद है और वो सफ़ीर अपने जो रूटीन के मामलात ताल्लुकात होते हैं उनको कंटिन्यू ना रखे और वो लीडर ऑफ़ द अपोजिशन पे कॉल ऑन ना करे। उन्होंने लीडर ऑफ़ द अपोजिशन पे कॉल ऑन किया था क्योंकि वो लीडर ऑफ़ द अपोजिशन हमारी पार्टी का है, उमर अयूब साहब है, इसलिए हमने मैंने और असद कैसर साहब ने भी उसमें शिरकत की थी और हमारी शिरकत है और इसलिए बेहतर है। इस इज़ नथिंग टू डू विद दी साइपर। देखिए जहाँ तक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का है वो हम बारहा आपको कह चुके हैं, अब हमारे ये पॉलिटिकल पार्टी का इंटरनल मामला है, हम उसको करेंगे रिजॉल्व, इस इशू को रिजॉल्व समझे, लेकिन इसमें चूंकि हमने देखो इस मैटर पे हमने इतनी मरतबा इस पर डिस्कशन की है कि इंशाल्लाह आपको फाइनली पता चल जाएगा जिसका नोटिफिकेशन होगा कि ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन है। दूसरी जानब DGISPR ब्रीफिंग दे रहे थे 9 मई के ऊपर, और उन्होंने रियासत का रेजोल्यूशन बड़ी सख्त अल्फाज में दोहराया कि किसी भी ऐसे शख्स को जिसने आइन तोड़ा है या जो रियासती इदारों पर यलगार किया उनको माफ़ नहीं किया जाएगा, क्या आपके उस रवैये में कोई तब्दीली है? देखो मैंने अभी मैं निकला हूँ और आप ही से पता चला है कि वहाँ ISPR की हो रही, क्योंकि जहाँ हमारी मीटिंग होती वहाँ तो कोई वो नहीं है, टीवी नहीं है कि हमें पता चले, मैंने अभी कोई स्टेटमेंट पढ़ी नहीं है, तो देख पढ़ूंगा तो इंशाल्लाह ताला। ये देखो मैंने आपके सवाल से मैंने पहले किया था कि पहले हमें उसको इजाज़त नहीं देते थे, आज उसको इजाज़त नहीं दी, पर खान साहब ने कहा है कल केस है, शायद कल आएंगे या नेक्स्ट डेट जो हेयरिंग होगी वो होगी। ये ऐसे करते रहते, 2 मरतबा पहले पंजोता साहब को रोका था, अब आज उन्हीं को रोका है कि जी वो लेट आए हैं, तो इसलिए उनका लिस्ट बीच में से निकाल दिया था। नहीं वो जो उनके पास लिस्ट गई थी वो कहते हैं उसके लिए था। गौर साहब आपने पीटीआई के तंजीमी ढांचे में तब्दीलियाँ की, खालिद खुर्शीद साहब को ISF और IYF का प्रेसिडेंट लगा दिए, वो बहुत एक्टिव मेंबर है, तो अब क्या हम पंजाब में भी मोबिलाइजेशन देख सकते हैं? देखो पंजाब में भी तंजीमें हम अब बनाएंगे स्लोली ग्रेजुअली, हमने अभी पहले तंजीमें बनानी है, उसमें ग्राउंड लेवल पर वर्क शुरू हो रहा है और जो ब्लॉक कोर्ट तक है तंजीम उसकी जो सुपरविज़न है वो शेब शाहीन साहब के साथ है, वो हम इंशाल्लाह जो तंजीमें हमारी उनके साथ मिल कर के तंजीमें बनवाएंगे, उनको ओवरसी करेंगे शेब शाहीन साहब और फिर रिकमेंडेशन दें। थैंक यू।